सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान याजी कहता है कि ये खुफिया ना हो, ये खुले आम इलेक्शन हो। पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की, फिर असेंबली में, उसके बाद ऑर्डिनेंस दायर की और ये हर दे इस्तेमाल करता रहे। आखिर ये वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि इसके अपने मेंबरान रह चुके हैं, इसके अपने मेंबरान इसके काबू में नहीं, तो अब ये हर बार इस्तेमाल कर रहा है कि सब अपना वोट दिखाएंगे। मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे, अदब जमात के जो इलेक्शन थे, वहां पर ऑपोजिशन के 64 मेंबर खड़े हुए और जब वोट निकला तो 50 निकले, उसके बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, उसके बाद भी 64 हो गए। तो ये कैसे हुआ? ये तो उस अगर आप ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन खुले हो तो फिर सेनेट चेयरमैन के भी इलेक्शन खुले होने चाहिए, स्पीकर का भी, डिप्टी स्पीकर का भी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज इसने जो मेंबरान खड़े किए, इसको डर है कि ये मेंबरान, ये जो सेनेट के हैं, बदकिस्मती से हजारा में एक को भी टिकट नहीं दिया। ये बदकिस्मती है, शर्म की बात है कि हजारा को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। और टिकटें किसको दी है? आप अगर देखें तो इस्लामाबाद से आईएमएफ के नुमाइंदे को, आईएमएफ के नुमाइंदे को टिकट दिया है और वो मेंबरान, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो उस आईएमएफ के बंदे को, नुमाइंदे को वोट देंगे, तो इसका मतलब है कि आईएमएफ के सब शराइत वो लोग मानेंगे, वो अपने हलकों में उसके बाद कैसे जाएंगे कि आईएमएफ के नुमाइंदे जो कि हम पे ये मुसलत कर रहे हैं, महंगाई, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, टैक्स, वो नुमाइंदा अगर उसको जो वोट देगा तो मतलब है कि वो आईएमएफ के जितने भी वो शराइत है वो मान रहे हैं, इसलिए उसको वोट दे रहे हैं। ये हो नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला नौबत इस तक नहीं आएगी। हमारी ये कोशिश होगी कि ये सेनेट अपनी जगह, इसके बाद भी इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात होंगे और जल्द होंगे, आजादाना होंगे, और उसमें जो अब जिस तरीके से इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, इसी तरीके से जनरल इलेक्शन में ये ढूंढेंगे उम्मीदवारों को, उम्मीदवार इनको नहीं मिलेंगे, ये मैं बता दूं आपको, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे आइंदा इलेक्शन में। ये आया था जब ये हुकूमत में नहीं था, तो इसने कहा मेरे पास टीम मौजूद है और जैसे मैं हुकूमत में आया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत में आया तो फिर कहा कि मुझे 100 दिन के बाद मुझसे पूछो, मुझे दो, 6 महीने के बाद मैं आपको बताऊंगा। 6 महीने भी गुजर गए, 1000 दिन भी गुजर गए, अब कहता है कि जब बिजली 5 सालों में तो नहीं आ सकती, इसके लिए तो 10 साल चाहिए, 10 साल, अभी कहता है कि 10 साल चाहिए। ये शख्स जब ढाई सालों में इस मुल्क का कबाड़ा कर दिया, तो आप अंदाजा लगाए कि 10 साल के बाद इस मुल्क में कोई रहेगा नहीं, क्या सूरत हाल होगी? ये हो नहीं सकता।
इंशाल्लाह ताला ये गरीब आवाम जिनको इन्होंने धोखा दिया और कहा कि मैं ये मुल्क जो है इसको समझ पाप बना दूंगा, आज महंगाई की वजह से ये पिस रहे हैं बिजली की कीमत देके। अभी आज अभी दोबारा बिजली की कीमत एक दो महीनों में 6 दफा बिजली की कीमत ज्यादा, पेट्रोल की कीमत ज्यादा, चीनी आटा घी घी की कीमतें, अभी पेट्रोल उससे जरा कुछ दिन चढ़ाव उसमें आया तो घी की कीमतें 43 रुपए घी की 3 किलो कीमत बढ़ा दी। ऐसे लोग कैसे आजी साहब और उनके साथियों को मैं इस लिहाज से खुशामदीद करता हूं कि वो हमारे पुराने साथी हैं। मैंने कभी आजी साहब को ये नहीं समझा कि एक कौमी वतन पार्टी से अलहदा हुए हैं, हमारे उसी तरीके से रबते थे, उसी तरीके से हम आपस में भाई एक भाइयों की तरह हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जब मुझे याद पड़ता है जिस दिन हाजी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे थे, उस दिन मानसेरा में इनके घर पे एक और साबिक मेंबर सुबह यसर जी, उन्होंने भी उसी दिन शामिल होना था, वो भी बैठे हुए थे। तो मुझे हाजी साहब की वो बात याद है कि उन्होंने कहा उस मेंबर को कि भाई इस पार्टी के साथ वफा करना है, अगर आप होंगे तो मैं नहीं कराऊंगा और अगर आप नहीं होंगे तो फिर मैं कराऊंगा और मैं इस पार्टी को इंशाल्लाह ताला ये सीट जीत के दिखाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। ये मुखलिस आदमी, ये आदमी गरीबों का सहारा है, इसके खिलाफ बहुत साजिशें होती हैं लेकिन अल्लाह ताला इनको सुरखरू करता है, ये बड़ी बात है। बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं लेकिन हमेशा ये सुरखरू हुए हैं, और इसलिए मुझे भी ये पसंद है कि साफ दो आदमी है, गरीबों की मदद करता है और ऐसे लोग हमेशा सुरखरू होते हैं, और मुझे भी ऐसे लोग पसंद हैं। तनावल के साथ और दर्पण के साथ मेरा एक पुराना लगाव है, एक ऐसा लगाव के जो कि मुझे विरसे में मिली। हयात मोहम्मद खान शेरपाओ शहीद ने दर्पण के लोगों को जो उस वक्त तरबेला की वजह से तरबदर हो गए थे उनकी खिदमत की, और वही विरसा मुझे मिला, और इसीलिए दर्पण तनौर के लोग मुझे पसंद है और इंशाल्लाह ताला इनकी हमेशा खिदमत करता रहूंगा, और ये आपके साथ वादा है इंशाल्लाह मैं उसी तरीके से भाई ने कहा कि आप मजबूत हाथ दें हाजी साहब को तो हाजी साहब भी मजबूत हाथ देंगे। हाजी साहब जब मेंबर बने तो ये हमने ये अपना फर्ज समझा के इस इलाके को सूबाई काबीना में नुमाइंदगी दी जाए, और हमने दी बावजूद बड़े बहुत इख्तलाफात के, लेकिन चंद महीनों बाद जब एक साजिश के तहत उस शख्स ने जो आज इस मुल्क का अपने आप को वज़ीर आज़म समझता है, उसने गलत इल्जाम लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हमारा जो मजबूत हाथ ये है
कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या कि हमने इनको निकाल दिया तो सिकंदर खान ने सीने बाजार छोड़ दिया और कहा कि मैं सीने बाजार छोड़ता हूं लेकिन अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। मैं समझता हूं कि आज जो मुल्क में जो सूरत हाल है और खासकर महंगाई की वजह से बहुत सी चीजें ये हुकूमत चल नहीं सकी। पौने तीन साल में एक कोई मुझे काम बताएं कि इन्होंने की है। और महंगाई बेरोजगारी की वजह से लोगों ने बदला लिया इस बाई इलेक्शन में बदला लिया और अदम इतमाद किया इसके ऊपर। जितने भी कल एक बाई इलेक्शन हुआ है तरपालकर में और वो जो है इनकी कैंडिडेट से 60,000 वोट ज्यादा लिए उसने। आप खुद अंदाजा लगाएं नौशहरा इनका गढ़ था वहां से हम सब ने मिलके इनके कैंडिडेट को हरवाया। और वो किसका कैंडिडेट था वो परवेज खटक जो कि समझता था कि नौशहरा के आवाम कभी उसे हिल नहीं सकते हैं उनको हराया। और आज 3 दिन बाद वो कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है और इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ धांधली की है। एक सीट दशका की वो किस तरीके से ये जीते। 20 इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी ने कहा कि रात की धुनता और दांडी की ये तीनों का एक पेज पे हुए। रात की तारीखी धुन और दांडी और ऐसी दांडी की कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। अंधाधुन दांडी तारीखी धुन और दांडी अंधाधुन दांडी उन्होंने की। लेकिन फिर भी मैं और इस पे खुश हूं इस बात के इलेक्शन कमीशन ने जो उसके ऊपर उन्होंने जो स्टैंड लिया और कहा कि इसमें जरूर कोई दांडी हुई है और एक चार्जशीट पेश की। ऐसे अगर इकदाम किए गए तो हमें भी इतमाद हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और आइंदा के लिए अगर भी उसके इसी तरीके से वो इकदाम लें तो इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि मुल्क में जब इलेक्शन कमीशन आजाद होगा तो मुल्क में आजादाना इंतखाबात होंगे और उसमें कामयाबी इंशाल्लाह ताला हमारी होगी। मैं हाजी इब्रार साहब ने आज भी कहा और कल भी कहा कि ये एक चीज की बात नहीं। इंशाल्लाह ताला आज के इस पुरवकार तकरीब से इंशाल्लाह ताला हजारा में हमारी भरपूर नुमाइंदगी होगी चाहे वो बलिया के इलेक्शन में हो चाहे वो जनरल इलेक्शन में हो। इंशाल्लाह ताला कामयाबी कौमी वतन पार्टी की होगी और इस शख्स की जिन्होंने आज हमारे साथ दोबारा अपना रिश्ता नाता जोड़ा है। और इंशाल्लाह ताला इसके असरात बहुत ही अच्छे होंगे पूरे हजारा के लिए इस कौम के तनोल कौम के लिए। और ये मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मौका मिला तो जैसे दर्पण की तासीर आप लोगों को तोहफे में दी इसी तरीके से तनावल एक अलहदा और खुद मुख्तार जिला भी बनेगा।